रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, 22 मार्च से लेके 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और ए से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन है और आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों के जायचे के 10वें घर के अंदर सूरज है, जोरा है, और सूरज का 10वें घर में होने की वजह से कैंसेरियन वालों के बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इज्जत और वकार के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रोज़गार के मामलात में, सेहत के मामलात में और फाइनेंशियली मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि सूरज का आपके 10वें घर में होना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुबारक है। ये सूरज के 10वें घर में होने की वजह से आपके जो बहुत से काम रुके हुए होंगे वो काम अल्लाह के फजल व करम से अब पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात में अल्लाह के फजल व करम से इसलिए बेहतरी आएगी कि सबसे पहले इस वीक के स्टार्ट में मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा, आप ही का हाकिम सारा आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होगा। ये आपके लिए हर मामलात में एक बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर ज़ाती मसरूफियात भी आपकी रहेंगी और ख़ास तौर पर जब मून आपके सेकंड हाउस में जाएगा तो ये आपके फाइनेंशियली हालातों को भी बहुत हद तक बेहतर करेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी अभी तक तरक्की नहीं हुई, साल डेढ़ साल गुजर गया हुआ और उनके तरक्की के मामलात पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये वीक उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है, मुबारक साबित होने वाला है। जहाँ इन मामलात में ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और मुबारक साबित होने वाला है वहाँ पर कुछ कैंसेरियन वालों को कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अगर आप वीक कैंसेरियन नहीं हैं तो फिर तो आपकी इतनी एहतियात नहीं बनती, फिर तो आपके मामलात बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आप वीक कैंसेरियन हैं तो फिर आपको ज़रूर चाहिए कि इस वीक के अंदर अपनी एहतियात बरतें, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतें, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए ज़रा थोड़ी एहतियात से बात करें, ये ना हो कि कहीं ना कहीं उनके मामलात आपके साथ ख़राब हो जाएं। उसकी वजह यह है कि आपके थर्ड हाउस का हाकिम सारा जायचे के 9th हाउस में है और इस वीक में इसने हबूत की हालत में भी जाना है और एक इसकी बैड नज़र मरीज के साथ भी बननी है, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस के मामलात ख़राब हो सकते हैं। चाहे वो रिलेशन आपके दोस्त यारों के साथ हों, रिश्तेदारों के साथ हों, चाहे हमसायों के साथ हों। जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अगर आप वीक कैंसेरियन हैं तो आपको एहतियात बरतनी होगी। अगर आप वीक कैंसेरियन नहीं हैं तो फिर आपकी एहतियात इतनी नहीं बनती, इसलिए कि मरकरी के चाहे हबूत में जाने की वजह से भी फिर भी आपके मामलात में वो गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए कि आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर सूरज है, सूरज ने एक अच्छी पोजीशन बनाई हुई है आपके रोज़गार के मामलात में और आपके फाइनेंशियली हालातों को बेहतर करने के लिए, तो आपको ज़रूर चाहिए कि इस वीक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हाँ, एक काम लाजमी करें, इस वीक के अंदर मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका ज़रूर दें। चाहे आप वीक कैंसेरियन हैं, चाहे आप नहीं हैं, आप ये सदका ज़रूर निकालें। सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज की पहली किरण पड़ रही हो उस वक़्त 7 दफ़ा सर से वार के आप एक अंडे का सदका लाजमी दें, इसलिए कि ये अंडे का सदका देने के बाद आपके मामलात में अल्लाह के फजल करम से मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वीक के अंदर जो लोग शराकती मामलात में परेशान थे, विरासती मामलात में परेशान थे, तो उनके मामलात में ही बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनके 4th हाउस का हाकिम सितारा भी इनके जायचे के 10वें घर में है, इसने सूरज के साथ इस वीक के अंदर एक करान करना है। ये करान कुछ कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, पॉजिटिव साबित होगा उनके रोज़गार के मामलात में, उनके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में और उनके घरेलू मामलात में। ये करान बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा।
इसलिए कि ये आपके जायचे के 10वें हाउस में ये करान हो रहा है, उसकी वजह से आपके मामलात में ज़रूर अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। हाँ, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो फिर तो यकीनी आपकी कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर होगी, और जो तब्दीली होगी वो मुसबत तब्दीली होगी, और आप ख़ुद भी कहेंगे कि इस वक्त मेरे लिए जो भी तब्दीली आई है वो अल्लाह के फजल व करम से मेरे हक में बहुत ज़्यादा बेहतर आई है। हाँ, जो कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैंसेरियन वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनमई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।